वेलकम बैक वंस अगेन नौकरी खबर डॉट कॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक्स भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आपके पास आने वाली 10 मई 2022 तक का समय है। आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के आवेदन कर पाएंगे। आवेदन कैसे करना होगा, नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे, बेसिक से लेकर अपर लेवल की जानकारी आपको मिलेगी, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी के अंदर आपको दो तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर और दूसरा रेगुलर बेस पे आप लोग बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं। पोस्ट कौन सी रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस, वेतन और बाकी सारी चीजों के बारे में आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना साल 2022 के अंदर एक अच्छे से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट जॉब पाने का, तो आप लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। पहली और सबसे अच्छी बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी 690 प्लस यानी कि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको टू टाइप्स की जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पहला तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और दूसरा रेगुलर बेसिस पे, आप लोग चाहें जो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो मैक्सिमम एज है 35 प्लस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, 35 तक का नोटिफिकेशन में बोला गया है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो ऑल इंडिया लेवल पर यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। काफी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है, आगे हम डिटेल में बात भी करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, बस आप लोग वीडियो में आखिरी तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर ओपन हो चुका है, मैं इसको जूम कर देता हूं, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया यानी कि BOI की तरफ से यहां पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद नोटिस डेट यहां पे चेकआउट कर सकते हैं आप लोग, और साथ में यहां पे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 26/4/2022 यानी कि 26 अप्रैल से ऑलरेडी यहाँ पे आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 10/5/2022 यानी कि 10 मई की। तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी समय है, आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिए, आपको स्केल 4 की यहाँ पे वैकेंसी मिलेंगी और इसके अंदर आपको रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरह की वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट नंबर की बात करें तो 21 और 22/23 का यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे वैकेंसीज हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल ऑफ दी पोस्ट वैकेंसीज और रिजर्वेशंस, यहाँ पे आपको जनरल EWS OBC SC और ST कैटेगरी मिल जाएंगी, साथ में कुछ यहाँ पे आउट ऑफ बीच के अंदर भी कैटेगरी मिल जाएंगी, और यहाँ पे मैक्सिमम एज 35 यहाँ पे मेंशन करी गई है, आप लोग इनको जरूर से चेकआउट करें। इसके बाद यहाँ पे ये रेगुलर वैकेंसी है, जहाँ पे आपको टोटल 594 यानी कि 594 पोस्टें मिलेंगी। कॉन्ट्रेक्चुअल में भी यहाँ पे आपको वैकेंसी मिलेंगी, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो आपको 102 यानी कि 102 पोस्टें मिलेंगी, और यहाँ पे कई सारी पोस्टें आपके लिए आ चुकी हैं, बस आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को चेकआउट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे स्केल है, पे स्केल के बारे में जानकारी दे देते हैं। देख सकते हैं 36,000 रुपये से लेकर यहाँ पे 63,840 और सीनियर मैनेजर के अंदर यहाँ पे आपको 76,000 रुपये से लेकर 89,890 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा।
साथ में यहाँ पे ग्रेड पे भी है और अदर अलाउंस भी आपको पे किए जाएंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जरूर से रीड करें। नेशनलिटी की बात करें तो ए सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नागरिक होने चाहिए। इस सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और इस सब्जेक्ट ऑफ भूटान भी यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कैसे मेजर किया जाएगा, तो रेगुलर बेसिस का अलग है, क्लिक हियर पे क्लिक करके डाउनलोड करिए, और कॉन्टैक्ट बेसिस का अलग है, इसको भी आप लोग क्लिक हियर पे क्लिक करके डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी के लिए 5 का, ओबीसी के लिए 3 सालों का, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 सालों का उम्र में छूट भी रखा गया है। इसके बाद यहां से आप लोग स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, लगभग 31 पेजेस इसमें काउंट करे गए हैं, आप लोग इनको चेकआउट करिए। इसके बाद यहां पे ऑनलाइन का सिलेबस है, सिलेक्शन आपका ऑनलाइन टेस्ट, जीडी और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है। तो यहां पे आपको नेम ऑफ द टेस्ट के अंदर सब्जेक्ट मिल जाएंगे इंग्लिश का और प्रोफेशनल नॉलेज का, और साथ में यहां पे आपको जनरल अवेयरनेस भी देखने को मिलेगा। इंग्लिश के अंदर 50 यहां पे मैक्सिमम नंबर्स मिलेंगे, पर्सनल नॉलेज का 100 नंबर और जनरल अवेयरनेस के 25 नंबर आपको मिलेंगे, और यहां पे आपको टोटल 150 यानी कि 150 मिनट का समय भी दिया जाएगा। तो आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यहाँ पे कुछ पेनल्टीज भी लगेंगी। और इसके बाद यहाँ से इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी गई है, कैसे होना है, क्या रहेगा, और इसके बाद यहाँ पे सिलेबस मैंने बता ही दिया है। बाकी जो यहाँ पे आपको इतना बड़ा नोटिफिकेशन मिल रहा है, आपको इसमें कई सारी जानकारियाँ इनबिल्ड में मिल जाएंगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट करें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट डेट का सेक्शन, आप लोग ध्यान रखिए कि 26 अप्रैल से लेकर 10 मई तक ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, अप्लाई कैसे करना इसके बारे में जानकारी देंगे। बस आप लोग वीडियो में आखिरी तक ज़रूर से बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यहाँ पे आ चुकी है नई भर्ती 2022 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन आपको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके दिखा दिया है। आगे इस वीडियो में हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के अप्लाई कैसे करना उसके बारे में बात करेंगे। आवेदन करने की आखिरी डेट आपको 10 मई 2022 की देखने को मिलेगी, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 690 प्लस यानी कि 690 से भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ऑनलाइन तरीके से फॉर्म फिलअप करेंगे, मैक्सिमम एज आपकी 35 होनी चाहिए, और ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया, तो अभी के अभी कर लें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आप आएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा बैंक ऑफ इंडिया। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो ऑफिसर स्केल 4 की यहाँ पर वैकेंसी मिलेंगी, जहाँ पर टोटल आपको 696 यानी 696 पोस्ट वैकेंसी मिलेंगी। आवेदन करने की डेट है 26 अप्रैल 2022 से लेकर 10 मई 2022 तक की। ऑनलाइन तरीके से आप लोग अक्रॉस इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशन है, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन पे विजिट करना होगा। मैक्स टू मैक्स आपकी एज यहाँ पे 35 यानी कि 35 साल की होनी चाहिए। आपका जो चयन है वो ऑनलाइन टेस्ट, जीडी, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है। वेतन के बारे में जानकारी नोटिफिकेशन मैंने प्रोवाइड करा दी है। अप्लीकेशन फीस आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। देन आपको कैसे अप्लाई करना होगा इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। नीचे आएंगे आपको इंपॉर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो क्लिक हियर की यहाँ पे बटन मिलेगी, एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ डाउनलोड की बटन आएगी, और डाउनलोड पे क्लिक करके आप लोग अपने नोटिफिकेशन को किसी भी पीडीएफ रीडर की सहायता से ओपन कर सकते हैं। सेम नोटिफिकेशन ओपन होगा जो कि मैंने स्टार्टिंग में ओपन करके दिखाया था, इसको आप लोग रीड करें। अगर आपको अप्लाई करना है तो बैंक ऑफ इंडिया के अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पे बैंक की वैकेंसी है रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स इन वेरियस स्केल 4 के अंदर। यहाँ पे अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले 6 स्टेप को फॉलो करके बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट के सेक्शन पे जाके आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
काफ़ी आसान है अप्लाई करना, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको अप्लाई करने की वीडियो प्रोवाइड कराऊं, तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट करें ताकि आपको जितना जल्दी हो सके अप्लाई करने की फुल डिटेल वीडियो मिल जाए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।